मोहम्मद बिलाल पूछते हैं, मेरा एक है कि इस्लाम में बर्थडे मनाना कैसा है। बर्थडे मनाने के बहुत सारे नुकसान आते हैं, इसमें मैंने अलग से एक ऑलरेडी क्लिप बनाई है पूरी कि बर्थडे मनाने के नुकसान AM कासमी, ये आप डालेंगे यूट्यूब पर तो उसमें वो मेरी क्लिप आ जाएगी, वो जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे क्या होता है, दुनिया की ख्वाहिशात बच्चों के अंदर पैदा होती हैं। वो बचपन में चॉकलेट मांगता है, बड़ा होते होते फिर वो आईफोन मांगता है, फिर बाइक मांगता है, फिर कार मांगता है, और उसके अंदर कुछ पाने की तलब बचपन से ही पैदा हो जाती है। इसीलिए बर्थडे के बहुत सारे नुकसान आते हैं। फिर दुनिया भर के अटरम जटरम घर में होते हैं वो अलग है, गाने बजाना होते हैं वो अलग है, ठीक है ना। और बच्चे को अपने बर्थडे का पर इंतजार रहता है, फिर वो इसी चाहत में लग जाता है कि बर्थडे मेरा आएगा, मुझे कार मिलेगी, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, और फिर उसको अगर उसके मन के मुताबिक नहीं मिलता तो वो जिद करता है, वो रोता है। इसीलिए मैं अभी कुछ साल पहले की बात है, मैंने अखबार में पढ़ा, खबर पड़ी थी कि आगरा में एक लड़के ने जो है ना अपनी 80 लाख रुपए की जो कार उसके अब्बा ने उसके बर्थडे पर उसको दी थी, वो नदी में जाके गिरा दी, ब्रिज पर से नदी में गिरा दी। क्यों गिराई? क्योंकि उसका मुतालबा ये था मुझे 1 करोड़ वाली कार चाहिए, लेकिन उसका बाप उसे नहीं दे सका, तो उसने वो 80 लाख वाली या 70 लाख वाली जो थी, पता नहीं कौन सी कार थी, वो नदी में गिरा दी। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत थी मुझे 1 करोड़ वाली मिले। तो ये चाहत क्यों बढ़ी बचपन से? होता है ना बच्चों में, इस बर्थडे मुझे मिला, अगले बर्थडे पे मुझे ये चाहिए, अगले बर्थडे पे मुझे ये चाहिए, तो उसे बस चाहिए 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 चाहिए, उसकी ख्वाहिशें बढ़ती हैं। फिर माँ बाप कहते हैं, भैया ये क्या हो गया हमारे बच्चों को, इसकी तो ख्वाहिशात ही नहीं खत्म हो रही है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ख्वाहिशात भी बड़ी होती हैं, और फिर एक दिन वो आता है कि वो बर्थडे मनाने के लिए चोरियां भी करता है, डकैतियां भी डालता है, पार्टियां भी करता है, और गलत काम भी करता है। इसीलिए बहुत सारे नुकसान हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आप लोग क्या वो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब तो इस्लामिक स्कॉलर हैं इसलिए बात बोल रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो कहते हैं, और उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है कि बर्थडे मनाने के क्या क्या नुकसान आते हैं, वो क्लिप आप ध्यान से देखिएगा।